नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने सीखे थे चार अक्षरों से बने हुए शब्द। आज हम उससे ही रिलेटेड एक और एक्टिविटी करेंगे। देखते हैं, चित्र देखकर चार अक्षरों से बने शब्द लिखिए। आपके सामने यहाँ कुछ चित्र हैं जिन्हें पहचान कर आपको चार अक्षरों से बने हुए शब्द लिखने हैं। देखिए पहला चित्र, बताइए ये क्या है। आशा है आप पहचान गए होंगे। ये है अ ज ग र, अजगर, अजगर। दूसरा चित्र देख लेते हैं, बताइए ये क्या है। ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है। मैं आपको कुछ क्लू दे देती हूँ जिससे आप अपने सर को इधर और उधर घुमा सकते हैं, सीधी या उल्टी दिशा में अपने सर को घुमा पाते हैं इसकी हेल्प से। बताइए क्या है। ये है गर्दन, ग र द न, गर्दन। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र है हमारा अ द र क, अदरक। अब देखिए ये चित्र, मुझे उम्मीद है आप देखते ही इसे पहचान गए हो। ये है, जी सही पहचाना आपने, ये है शलगम, श ल ग म, शलगम। और आखिरी चित्र बताइए किसका है। हमारा आखिरी चित्र है खटमल, ख ट म ल, खटमल। आपको भी अपनी हिंदी की नोटबुक में इसी तरीके से चित्र बनाते हुए, आप चाहे तो कोई और भी चित्र बना सकते हैं। आप अपनी, इसके लिए आप अपनी हिंदी की किताब की हेल्प ले सकते हैं। आप इनमें से कोई भी पांच चित्र बनाइए और उनके चित्रों को देखकर उनके सही नाम को या सही अक्षर को आपको यहाँ लिखना है राइट हैंड साइड पे। ये है आपका होमवर्क। पिछली हिंदी की कक्षा में मैंने आपको चार अक्षरों से बने हुए 10 शब्द लिखने के लिए दिए थे। मैं आशा करती हूँ कि आपने वो कार्य कर लिया होगा। तो आज आपको करना है चित्र देखकर चार अक्षरों से बने हुए शब्द लिखने हैं। आप इसके लिए चाहे तो ये चित्र बना सकते हैं या कोई दूसरे चित्र भी बना सकते हैं, और उनके नाम आपको, वो चार अक्षरों से बने हुए शब्द होने चाहिए और वो आपको लिखने हैं, और साथ ही साथ आपको इनका सही उच्चारण भी करना है। ये था आपका होमवर्क। अगली हिंदी की पाठशाला में मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।